मिताली और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल लाली की थाली पे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पराठे का हलवा। हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए गुड़ का पाउडर, अदरक का रस, देसी घी, आटा, काजू, बादाम, किशमिश और नारियल। तो सबसे पहले हम एक प्लेट में आटा ले लेंगे, सूखा आटा। इसको मैं अच्छे से गूंथ लूंगी। मुझे एक सॉफ्ट डो तैयार करना है और ये देखिए, ये तैयार हो गया मेरा एकदम मुलायम सा आटा, ताकि पराठा भी हमारा एकदम मुलायम बने। अब गैस चालू करके हम तवा रख देंगे और तवा थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें पराठा बेल के डाल दूंगी। ये देखिए, मैंने एक लोई ली, उसमें सूखा आटा लगाया और ये बेल लिया। तो ये देखिए, पराठा एकदम तैयार है सिकने के लिए। थिकनेस भी काफ़ी अच्छी है, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी। और ये डाल दिया मैंने तवे पे। तो ये देखिए, तवे पे डाल दिया है पराठा। अब पराठे को एक साइड से अच्छे से सेक लेंगे और लगा दिया मैंने घी। और कोशिश करिएगा आपके इसमें देसी घी का ही इस्तेमाल करिए, तभी इसका स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। हलवा वगैरह में अगर आप देसी घी से ही बनाएंगे तो अच्छा बनता है। और पराठे को चारों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे हम। देखिए ब्राउन हो रहा है पराठा, थोड़ा फूल रहा है, एक साइड से अच्छा पक चुका है और ये रेडी हो गया हमारा पराठा। पराठा जो मैंने सेक के रखा है, इसको मैं अब बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ के रख रही हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। और जब तक ये पराठा ठंडा होता है, इसी बीच में रखती हूँ कढ़ाई, वो भी एकदम मीडियम नहीं, एकदम स्लो रखनी है हमको, सॉरी। तो ये हमने रख दिया है कढ़ाई और एकदम आँच कर दी है धीमी, ताकि हमारे ड्राई फ्रूट्स जल ना जाए। ये डाल दिया मैंने आधी चम्मच घी और इस घी में मैं नारियल जो मैंने पतला पतला काट के रखा था उसको मैं भूंजूंगी। तो अब मैं इसमें डालूंगी नारियल। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूंजना है आपको, क्योंकि मैंने बहुत ही पतला पतला काटा है तो वो जल भी सकता है, इसलिए थोड़ा सा इसको बस फ्राई करेंगे। और इसमें डाल देंगे बादाम, जो नारियल की तरह ही मैंने पतले पतले काट के रखे हैं। इन दोनों को भी थोड़ा देर तक गोल्डन ब्राउन करेंगे और निकाल लेंगे। अब मैं फिर से इसमें थोड़ा सा घी डालूंगी और डाल दूंगी इसमें काजू। काजू भी हमें थोड़ी देर तक गोल्डन ब्राउन करने हैं और उसी में डाल दूंगी मैं किशमिश। काजू और किशमिश भी अच्छे से भूंज गए हैं मेरे। ये देखिए, हल्के हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए। आपको ध्यान रखना है कि जले ना। ये तैयार हो गया है मेरा मिश्रण। तो पराठा हो गया है ठंडा। अब मैं इसको जार में डाल के, मिक्सर जार में डाल के एक फाइन सा पाउडर बना लूंगी। ये देखिए कितना महीन इसका पाउडर पिस गया है। तो जिस कढ़ाई में मैंने ड्राई फ्रूट्स भूंज के रख लिए थे, उसी कढ़ाई में मैं डालूंगी एक से डेढ़ ग्लास करीबन पानी। पानी की जगह आप यहाँ दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैंने यह पानी में बना के दिखाया है आपको। और इसमें डाल दूंगी मैं गुड़ का चूरा, गुड़ का पाउडर डाल दूंगी। आप गुड़ की जगह चीनी भी डाल सकती हैं, या आधा गुड़ और आधी चीनी भी डाल सकते हैं। ये गुड़ मैंने घोल लिया अच्छे से। बहुत बॉयल नहीं करना है, बस एक बॉयल आएगा और हमारा गुड़ का लिक्विड हो जाएगा रेडी। इसमें डाल दिया है मैंने अदरक का रस, क्योंकि मेरे पास सौंठ नहीं थी तो मैंने अदरक के रस का इस्तेमाल किया है। आप सौंठ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको सौंठ का स्वाद अच्छा नहीं लगता है तो आप इसमें इलायची भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने भुंजे हुए डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट्स, थोड़े बचा लिए हैं गार्निशिंग के लिए। और जैसे ही देखिए, इसमें एक उबाल आ गया है अच्छा सा। इसमें मैं अब रोटी का चूरा, रोटी का जो मैंने महीन पाउडर बना के रखा था, वो मैं इसमें डालूंगी और अच्छे से इसको मिला दूंगी। अभी ये काफ़ी पतला है, इसको हमको थोड़ा सा गाढ़ा करना है। इसको लगातार चलाते रहिए ताकि लगे ना। यह देखिए, तैयार हो गया है हमारा पराठे का हलवा। खाने में भी रिच और स्वाद में भी रिच। बनाइए और सबको खिलाइए पराठे का हलवा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल लाल की थाली को सब्सक्राइब करिए।